हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने मेरे एक बहुत ही फेवरेट प्लांट लेके आई हूँ जिसका नाम है फिटोनिया। आज मैं बात करने वाली हूँ फिटोनिया की आइडियल एनवायरनमेंट के बारे में कि कैसे एनवायरनमेंट में आपको इस प्लांट को रखना है और किस तरीके से आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो फुल केयर डिटेल्स मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी। फिटोनिया, जिसे नर्व प्लांट भी बोला जाता है, इसके पत्तियों में आप देख सकते हैं एक नर्व लाइक वेन है, इसके वजह से इसे नर्व प्लांट बोला जाता है। फिटोनिया कई सारे रंगों में आता है और छोटे पत्ती वाला, बड़े पत्ती वाला, बहुत सारे वैरायटी में आता है, बहुत सारे ब्यूटीफुल कलर्स में आता है। मेरे पास इस ट्रे में 9 कलर का फिटोनिया है इसमें लगा हुआ। देखिए कितना बड़ा बड़ा पत्ती है, इसमें सारा बड़े पत्ती वाला फिटोनिया ही लगा हुआ है। कितना ब्यूटीफुल लगता है प्लांट जब आप एक साथ में लगाते हैं अलग अलग कलर्स के, तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये। लेकिन इस प्लांट का थोड़ा बहुत केयर करना पड़ता है। ये प्लांट थोड़ा ड्रामेटिक प्लांट है, थोड़ा इसका जो ग्रोइंग कंडीशंस है वो अगर प्रेफरेबल ना हो तो प्लांट ख़राब भी हो सकता है। जैसे कि आप सब देख ही पा रहे हैं, मेरे इस प्लांट में फ्लावर्स भी आया हुआ है। ज़्यादातर इंडोर कंडीशंस में इस प्लांट में फ्लावर आता नहीं है, तो अगर आप प्रॉपर इसको ग्रोइंग एनवायरनमेंट देते हैं तो इसमें फ्लावर भी आता है, लीव्स भी बहुत बड़ा बड़ा बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसा एनवायरनमेंट इस प्लांट को प्रोवाइड करती हूँ जिसके वजह से मेरा प्लांट इतना सुंदर ग्रो कर रहा है। तो अगर आप भी अपने फिटोनिया को इतनी ही खूबसूरती से ग्रो करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगी लोकेशन की, इस प्लांट को कैसे लोकेशन चाहिए। एक रेन फॉरेस्ट का प्लांट है जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ों के नीचे फिटोनिया को पाया जाता है, जहाँ पे इसको बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगता है, थोड़ा बहुत छन के धूप आता है। तो आपको भी फिटोनिया को ऐसे ही लोकेशन पे रखना है जहाँ पे इसको थोड़ा बहुत ब्राइट लाइट मिल जाए, लेकिन डायरेक्ट सन या तेज़ धूप इसमें बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए, इससे फिर इसका सारा जो पत्तियाँ है ये जल के ख़राब हो जाएगा। तो ये प्लांट लो टू मीडियम ब्राइट लाइट में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है, तो इसे हमेशा आपको थोड़ा ब्राइट एरिया पे रखना है, लेकिन इसको डायरेक्ट सन में बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब बात करते हैं सॉइल की। मैंने जो सॉइल मीडिया में मैंने प्लांट को लगाए हैं, इसमें मैंने एक सॉइल लेस मीडिया बनाए हैं जिसमें मैंने सॉइल का इस्तेमाल नहीं किए हैं। फिटोनिया की पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए मैंने यूज़ किए हैं इसमें एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा कोकोपीट, एक हिस्सा मैंने इसमें भार्मी कंपोस्ट यूज़ किए हैं, थोड़ा सा पार्लाइट, थोड़ा सा चारकोल का पीसेस भी मैंने इसमें डाले हैं। तो फ्रेंड, फिटोनिया के लिए आपको सॉइल ऐसा बनाना है जो वेल ड्रेन भी हो लेकिन थोड़ा मॉइस्चर भी रिटेन करके रखे, क्योंकि इस प्लांट को अपनी सॉइल में मॉइस्चर हमेशा चाहिए होता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसके सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको वाटरिंग भी करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि आप इस प्लांट के सॉइल को कभी भी बिल्कुल भी ड्राई मत होने दीजिएगा, हमेशा एक नमी मॉइस्चर इसमें मेंटेन रखिएगा, लेकिन इसको फिर कभी ओवर वाटरिंग भी मत कीजिएगा। अगर ओवर वाटरिंग हो गया तो इसका रूट बहुत ही शैलो है, बहुत ही पतला पतला रूट है जो बहुत ही इजीली ख़राब हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है, लेकिन हमेशा सॉइल में थोड़ा मॉइस्चर बना के रखना है। अगर इसका सॉइल बिल्कुल ड्राई हो जाता है तब भी इस प्लांट को नुकसान होता है, इसका जो पत्तियां है मुरझा जाता है। हालांकि इसमें पानी डालने से फिर से रिवाइव कर जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत डैमेजेस आपको इसमें नज़र आने लगेगा। लेकिन अगर आपका प्लांट 3-4 दिन से लगातार ड्राई सॉइल में पड़ा हुआ है तो फिर उसका रिवाइव करने का चांसेस भी कम हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सॉइल कभी भी बिल्कुल पूरी तरीके से ड्राई नहीं होना चाहिए, हमेशा थोड़ा मॉइस्चर इसमें मेंटेन करके रखिएगा। अब आते हैं इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है ह्यूमिडिटी।
इस प्लांट को मॉइस्चर ना कि नीचे से चाहिए, ऊपर से भी ह्यूमिडिटी चाहिए, खूब सारा ह्यूमिडिटी चाहिए इस प्लांट को सर्वाइव करने के लिए। अगर आप इसको बहुत ही अच्छे ह्यूमिड कंडीशन में रखते हैं तभी आपका ये प्लांट सर्वाइव करेगा। इसके लिए आप इस प्लांट को बहुत सारे प्लांट के साथ ग्रुप में रख सकते हैं, उससे बाकी सारे प्लांट से ह्यूमिडिटी इसको प्रोवाइड हो जाता है, या फिर इसको बार बार मिस्टिंग करते रहिए, या फिर ह्यूमिडिफायर या फिर ह्यूमिडिटी ट्रे भी बना सकते हैं। लेकिन कुछ भी कीजिए, लेकिन इस प्लांट को आप हमेशा ह्यूमिड रखिए, तभी आपका ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। और एक चीज़, इस प्लांट को हमेशा फ़ैन का जो हवा है, फ़ैन का या फिर एसी वेंट या फिर बाहर का जहाँ पे तेज़ हवा चल रहा हो उस लोकेशन से इस प्लांट को दूर रखिए। इस लोकेशन पे इसका लीफ बहुत ही फास्ट ड्राई हो जाता है, वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है और आपका प्लांट भी ख़राब हो जाएगा। अब बात करते हैं इस प्लांट को आप कैसे बुशी बना के रख सकते हैं। टाइम टू टाइम इस प्लांट की प्रूनिंग कर दीजिए। इस प्लांट का एक टेंडेंसी है, ये थोड़ा बढ़ जाता है तो थोड़ा लेगी हो जाता है, तो उसको आप काट दीजिए। काट के जो कटा हुआ हिस्सा है उसे आप बहुत ही इजीली प्रोपागेट भी कर सकते हैं, पानी में डाल के या फिर सैंड में या फिर कोकोपीट में डाल के भी आप इसको प्रोपागेट कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम इसका प्रूनिंग करते रहिए, पिंचिंग करते रहिए। और हाँ, ये जो फ्लावर्स है ये तो सिर्फ मैंने आप सबको दिखाने के लिए रखे थे, फ्लावर्स उतना अट्रैक्टिव होता नहीं है जो, और ये फ्लावर्स प्लांट के ग्रोथ को भी धीरे कर देता है। तो जब भी फ्लावर बर्ड्स आएगा तो इस फ्लावर्स को भी आप हटा दीजिए। अब बात करते हैं डिजीज़ की। तो फ्रेंड, इस प्लांट को हमेशा थोड़ा ऑब्जर्व करके रखना पड़ता है, क्योंकि इस प्लांट को काफ़ी सारा डिजीज़ हो जाता है, जैसे बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़, और इसमें काफ़ी सारा पेस्ट अटैक भी हो जाता है। तो हमेशा आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हमेशा नीम ऑयल या फिर फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करते रहिए अपने प्लांट पे, ताकि इसमें कोई भी फंगल डिजीज़ ना आए या फिर कोई पेस्ट अटैक ना हो, क्योंकि इस प्लांट को काफ़ी सारा पेस्ट अटैक भी हो जाता है, क्योंकि इसका पत्तियाँ हमेशा हम लोगों को मॉइस्ट रखना पड़ता है, सॉइल मॉइस्ट रखना पड़ता है, इसके वजह से इसको ये सारा डिजीज़ होना मतलब बहुत ही नॉर्मल है। तो फ्रेंड, यही सारा पॉइंट या टिप्स के ऊपर अगर आप सब बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आप भी बहुत ही अच्छे फिटोनिया ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरे आज का वीडियो यही तक ही। फिटोनिया के रिलेटेड अगर आप सबको कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं लेकिन मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।